हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का BA का कट ऑफ आ चुका है। BA की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है 12 अगस्त से। तो अगर आपने BA का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको पता होना चाहिए कितनी कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी। एंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आपको काउंसलिंग में क्या क्या लेके जाना होगा, कब जाना होगा, कहाँ जाना होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जाऊँ तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। ये आपके DDU की वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग आ जाओ। यहाँ पे आप आओगे, आपको BA ऑनर्स के यहाँ पे पूरा काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगा। इसको मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ आपकी जो काउंसलिंग यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है, आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी कब है, 12 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपको प्रवेश दीक्षा भवन में जाना होगा 10 बजे से लेकर आपका 12:30 बजे तक एंड 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ठीक है, एंड दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर ही आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, काउंसलिंग पे टाइम पे जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। ठीक है, फोटोकॉपी भी, ओरिजिनल भी, फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो सब आपको लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों अगर आप लोग की जो भी कैटेगरी है, EWS की है अगर आपकी, ठीक है, अगर आपकी OBC है, अगर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, SC ST सब कुछ। ठीक है, फिर दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन फीस भी जमा करनी होगी तो अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन कर लेना। एंड ये जो एडमिशन, ये 3 दिन चलेगा, यानी 3 दिन के अंदर BA कोर्सेज के सारे एडमिशन कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब दोस्तों ये आप कट ऑफ यहाँ पे देख लो। ठीक है दोस्तों, 12 तारीख को 10 बजे से 12:30 बजे तक छात्र व छात्राएं अनारक्षित संवर्ग, यानी जिसका भी मार्क 104 नंबर से ऊपर आया है वो भैया जाएगा एडमिशन करवाने के लिए, ये मुख्य सूची में है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या बोलते हैं, आपका 12 तारीख को 1 से 3 बजे तक अनारक्षित संवर्ग 102 अंक तक, ठीक है, मुख्य सूची पूर्वाह के छुट्टी हो, यानी अगर इसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों 13 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, 92 अंक तक मुख्य सूची में छूटे हुए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो, मतलब जो इसमें जिनका यहाँ पे नहीं हो पाएगा उनका इस डेट को होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अनारक्षित संवर्ग, जैसे कि आप यहाँ पे देखो पूरा आपको बताया गया डिटेल के अंदर, ठीक है, समस्त सबको बुलाया है मुख्य सूची, यानी अगर आप किसी और जनरल को छोड़ के किसी और कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे सबको बुला दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे आप लोग, टाइम आपको बताया गया है। फिर जो यहाँ पे आपका EWS कैटेगरी का आपको स्पेशल बुलाया गया है, समस्त सबको बुलाया गया मुख्य सूची के हिसाब से, ओके। फिर यहाँ पे अनारक्षित संवर्ग देख लो, यहाँ पे आपको बताया गया है, फिर बचा हुआ, यानी आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पहुँच जाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी होगी तो कॉन्टैक्ट कर लेना कॉल करके, एंड दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। ठीक है, ऐसे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच।